प्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ सब लोग अपने अपने स्थान पर बहुत बढ़िया से होंगे, हमेशा की तरह। आज आपका दोस्त ईश नारंग फिर से एक बार आपके साथ है, एक नई कहानी के साथ। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो कुछ संदेश दे जाए। बस ऐसी ही कुछ कहानियां रोज लेके आता हूँ। और एक बहुत बढ़िया बात और भी है, मैंने कल थोड़ी सी एक काउंटिंग करी थी, हम जल्दी ही 100 दिन पूरे करने वाले हैं। हाँ जी, 100 दिन हम जल्दी ही पूरे करने वाले हैं, जब से हमने कहानियां सुनानी शुरू करी हैं। और मैं सोच रहा था कि 100 कहानियां पूरी होने के बाद कुछ दिन का ब्रेक देंगे, या जैसे आप सब लोग कहेंगे। हमारी कहानी, रोज हम एक नई कहानी लेके आते हैं। बृहस्पतिवार को हम कहानी जो सुनाते हैं, जो कहानी पर बात करते हैं, वो करते हैं स्टार्टअप के ऊपर। कल बृहस्पतिवार है तो कल के लिए ऐसा ही कुछ लेके आऊंगा। और रविवार को हम खेल और खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं। आज की कहानी जो है, आज की कहानी, मैं एक कहानी की बात नहीं करूंगा, आज मैं एक ऐसे इंसान की बात करूंगा जिसको मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ। और उनके बारे में मेरी एक बात है बोलने की, मैं उस बार को कई बार बोलता हूँ कि उस जैसा स्मार्ट और हैंडसम इंसान पुरुष आज तक कभी धरती पर ना तो हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। सिर्फ एक ही वो इंसान था जिसको मैं स्मार्टेस्ट एंड हैंडसम पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड कहता हूँ, मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर यूनिवर्स जैसे कहते हैं, मैं उनको वो कहना चाहूंगा। और वो इंसान है नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त जिसको हम सब लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद का मैं हमेशा से फैन रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद के ही जीवन की एक या दो घटनाएं मैं आज आपके सामने रखूंगा। और वो उनके जीवन की, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी घटना है जिससे हमें कोई ना कोई सीख ना मिलती हो। और सिर्फ उनके जीवन की, उनके द्वारा ऐसी चीजें हुई, उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें बोली गई जिससे हमें शिक्षा मिली, लेकिन उनके आसपास के लोगों के द्वारा भी कुछ ऐसी चीजें की गई जिससे उनको शिक्षा मिली और हमें भी शिक्षा मिली। स्वामी विवेकानंद 1896 में शिकागो गए थे। शिकागो सम्मेलन उनके जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ था। उस शिकागो सम्मेलन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब वो शिकागो गए, शिकागो जाने से पहले वो अपनी माँ के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए, उनको बताने के लिए कि मैं शिकागो सम्मेलन में जा रहा हूँ, और ये सोचकर कि शायद मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा जो मेरा काम में आएगा। और उनसे असल में वो आज्ञा लेने गए थे कि क्या मैं शिकागो सम्मेलन में जाऊं या नहीं जाऊं। जब वो उस माँ के पास पहुंचे तो माँ रसोई घर में काम कर रही थी, काम में व्यस्त थी। और उन्होंने माँ को प्रणाम किया और वहीं बैठ गए और अपनी बात उन्होंने कहनी आरंभ की कि ऐसे ऐसे शिकागो में एक सम्मेलन हो रहा है, सर्वधर्म सम्मेलन। उस सर्वधर्म सम्मेलन में मैं जा रहा हूं और मुझे भारत को रिप्रेजेंट करना, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना। और उनकी माँ ने कुछ बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया। और तभी काम में लगे लगे ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र, सामने से छुरी उठा के देना। और नरेंद्र ने वो छुरी उठाई और माँ को पकड़ा दी। और माँ ने कहा कि यही मेरा संदेश था और ये तेरी परीक्षा थी जब मैंने तुझे ये छुरी उठाने के लिए कहा। अब देखिए, ये हिंदुस्तान की माँ है, हर छोटी छोटी बातों में भी शिक्षा दी जाती है और बेटे को इतना बड़ा बना देती है कि उस बेटे के थ्रू माँ को लोग याद करना शुरू कर देते हैं। जब छुरी उठा के दी तो छुरी के दो हिस्से होते हैं, दो किनारे होते हैं। एक किनारे पर नोक होती है और एक पर उसको पकड़ने का हत्था होता है। और छुरी उठा के स्वामी विवेकानंद ने जब माँ को पकड़ाई तो छुरी के अंदर नोक वाला हिस्सा उनकी तरफ था और हत्थे वाला हिस्सा माँ की तरफ था।
माँ ने ये कहा कि मैं देखना चाहती थी कि जब तुम छुरी उठा के दे रहे हो तो उसका नोक का हिस्सा दूसरे की तरफ होगा या तुम्हारे तरफ होगा। और वही हुआ जैसा उनकी माँ शिक्षा देना चाह रही थी स्वामी जी को। स्वामी जी उस परीक्षा में पास हुए। उस छुरी का नोक वाला हिस्सा अपनी तरफ होने का मतलब ये था कि उनकी माँ ने ये कहा कि मैं ये कभी नहीं चाहती कि तुम अपने मन वचन कर्म से कोई भी ऐसा काम करो जो सामने वाले को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। तो एक छोटी सी घटना कि रसोई घर में काम करते हुए सब्जी काटने वाली छुरी स्वामी विवेकानंद की माँ ने उनसे मांगी, और उससे कितनी बड़ी शिक्षा माँ ने नरेंद्र को दे दी। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जब स्वामी जी के जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आए जब उन्हें कहीं और से ऐसी ऐसी शिक्षाएं मिली जो शिक्षा आगे चल के पूरे विश्व के काम आई, और पूरे विश्व को उन्होंने एक अलग रास्ता दिखाया। और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी, इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी ऐसी व्यक्ति, ऐसे इंसान, ऐसी जगह से उन्होंने शिक्षाएं ली जो शायद हमारे जीवन में भी घटनाएं घटती रहती हैं परंतु हम उनको समझ नहीं सकते हैं। एक और बहुत बड़ी बात है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु को स्वयं चुना था। उन्होंने बहुत सारे उस समय के गुरु की परीक्षा ली थी, तब उन्होंने गुरु अपने लिए चुना था। ये बहुत बड़ी बात है। अभी कभी हमने ऐसा नहीं सुना इतिहास में भी कि एक शिष्य गुरु का चुनाव करे और गुरु की परीक्षा लेकर अपना गुरु किसी को बनाए। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसी चीजें सिर्फ हिंदुस्तान में ही हमारे महापुरुष जो हुए उनके द्वारा ही हो सकती है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं अगर बोलना शुरू करूं तो शायद सारा दिन निकल जाए, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी रहती है। हम कोशिश करते हैं कि 8 या 10 मिनट में हमारी वो कहानी जो संदेश देती है वो हम समाप्त कर पाए और वो चीजें सभी लोगों तक पहुंच सके। तो आप सब लोगों से निवेदन है, मेरी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके पास आप चाहते हैं कि इस तरह की सभी बातें पहुंच पाएं जो किसी का किसी भी तरह से भला कर सके। और जब भला होता है तो लाभ भी होता है, क्योंकि भला का उल्टा होता है लाभ। आज का सेशन यहीं तक। कहानी कैसी लगी आपने बताना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कहानी जो स्टार्टअप पर आधारित होगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।